Hello everyone, my name is Anu and today we'll read the last lesson of class 3 EVS. It's the web of life. So students, what is a web of life? You know, the idea of the web of life is shown by the interdependence within an ecosystem. It means ke ek ecosystem mein hamara jo ecosystem hai usme kis tarah se सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंड हैं, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फूड फॉर सर्वाइवल। जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वेब ऑफ लाइफ, दैट वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितने भी सिस्टम में, जितने भी हमारे इकोसिस्टम में, एंड व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिक एरिया है जहां पे प्लांट्स, एनिमल और सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि वेदर, लैंडस्केप, दे वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में, यानी ये जो हमारा इकोसिस्टम है जहां पे प्लांट्स, एनिमल्स, लैंडस्केप, ट्रीज, एवरीथिंग इज देयर, जो हमारा एटमोस्फेयर है, उसमें सारी चीजें, इंसान, देन एनिमल्स, देन प्लांट्स, ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर अपनी लाइफ के लिए, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वेब ऑफ लाइफ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। अब यहां पे आप देखिए, ये आपकी बुक में ये चैप्टर 24 वेब ऑफ लाइफ, यहां पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीजें, यहाँ पे पिक्चर्स आप देख पा रहे हो। जैसे स्टार्ट करें हम सन से, you can see sun, then water, squirrel, snake, plants, bird, moon, cow, rat, soil, house, air, grass, lots of things are there. अब ये सारी चीजें, क्या आपको इन सब चीजों को देख के क्या लगता है? What do you think? What do you observe from these pictures? That these, क्या आप observe करते हो? यही observe करते हो कि ये सारी चीजें आपकी जरूरत की हैं? लेट्स सी। एंड बाय नाउ यू मस्ट हैव रेड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। यू हैव रेड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। कैन यू टेल व्हाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? वेल, आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थिंग्स, लाइक ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। That is why we try to know and think about all these things. It means that ये जो सारी चीजें हैं, हम इन सारी चीजें हमारे काम की हैं. We all need all these things. हमें इन सब चीजों की जरूरत है. अब आप देखिए, हमें ग्रास की भी जरूरत है, सन की भी जरूरत है, वाटर की जरूरत है, एयर, हाउस, सॉइल, सब चीजों की हमें कहीं ना कहीं, प्लांट्स, जरूरत होती ही है. अब How are we linked to the things shown in the picture? हम कैसे लिंक करते हैं अपने आप को इन सब चीजों से? So come, let's find out. First of all, draw your own picture in the blank space. आपको बीच में एक circle दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अपनी picture बनाइए और उसके बाद उन चीजों को connect करिए जो आपको needed है, जिनकी जरूरत है आपको. ठीक है, Now join the picture with lines to all those things which you feel are needed for you. अब आप, यू कैन ज्वाइन, हैव यू ज्वाइन योर पिक्चर्स टू द हाउस? लेट अस सी विद व्हाट अदर थिंग्स कैन वी ज्वाइन द हाउस टू थिंक व्हाट इज हाउस मेड अप ऑफ. लाइक वुड, वुड का बनता है हाउस, विच कम्स फ्रॉम ट्रीज. जो वुड कहां से आता है? ट्रीज से आता है. ब्रिक्स का बनता है हाउस, और ब्रिक्स कहां से आती है? विच आर मेड फ्रॉम वॉटर एंड क्ले. अब क्ले जो हमें ब्रिक्स बनाने के लिए चाहिए, वो क्ले कहां से आती है? We get from soil, and water we get from rivers, ponds, well or rain. So जितनी भी सारी चीजें हमें घर बनाने के लिए चाहिए, वो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, है ना? अब हमें घर बनाने के लिए वुड चाहिए, तो वुड के लिए हमें ट्री चाहिए. ब्रिक्स चाहिए, तो ब्रिक्स के लिए हमें मिट्टी और पानी चाहिए. क्ले चाहिए, मिट्टी जो चाहिए, तो मिट्टी के लिए, क्ले बनाने के लिए हमें सॉइल चाहिए. वॉटर है, तो वॉटर कहां से आएगा? रिवर्स से, पॉन्ड से, वेल से, रेन से आएगा, है ना? तो ये जो सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम में हैं, वो सारी इंटरडिपेंडेंट है, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है. ओके,
जैसे अब आप देख लिए, आपने अपनी पिक्चर्स जो जो आपको नीडेड था आपने उनको कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स भी दे कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, के अब जैसे आपको स्क्विरल और स्नेक की इतनी जरूरत नहीं है तो आपने उनको इंटरकनेक्ट नहीं किया, रैट की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह आपके फ्रेंड भी इसी तरह से एक वेब बना सकते हैं कि उनको क्या क्या चीजें नीडेड हैं, एंड लाइक दिस दे कैन मेक इट। ऑल ऑफ द ऑफर्ड ऑब्जेक्ट्स इन द रिंग सच एज वॉटर, सन, ग्रास, एयर, स्नेक्स एंड सो ऑन आर रिक्वायर्ड फॉर आर सर्वाइवल बिकॉज दीज आर असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। अ होम और शेल्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ हार्मफुल क्रिएचर एंड एक्सट्रीम वेदर, है ना। तो इनसे हमें, हमने देखा कि जितनी भी चीजें इन रिंग्स में हैं, जो जो हमें नीडेड हैं, वो सब हमने उनको मैच कर लिया है। और क्यों नीडेड है वो यू नो दैट। इन द सेम वे ज्वाइन ऑल द थिंग्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैम। वाइल डूइंग सो यू माइट नीड टू राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू मोर थिंग्स। वॉट हैव यू फाइनली गॉट? अ बिग वेब, इजेंट इट? वॉट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब? वेल, अगर हम जैसे हमें जैसे हमने अभी बात करी कि हमने घर को मैच किया, हाउस को मैच किया, पर हाउस के लिए हमें क्या चाहिए? वुड। वुड के लिए हमें क्या चाहिएगा? ट्री, ठीक है। अब उसके अलावा हमें चाहिए सॉयल। सॉयल के लिए क्या चाहिएगा? क्ले चाहिए। क्ले के लिए चाहिएगा सॉयल, है ना। इस तरह से अगर हम एक दूसरे और सारे वेब्स बनाएं और उनको भी इंटरकनेक्ट करें तो बहुत बड़ा वेब बन जाएगा। और उस बड़े वेब से हमें क्या पता चलेगा कि जितनी भी चीजें हैं वो सब अपनी जरूरतों के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, जैसे यस आई क्रिएटेड अ वेब बाय कनेक्टिंग ऑल द आइटम्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर। दिस वेब हैज टॉट मी दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल दे आर अलाइक। लाइक जो आपके फ्रेंड्स ने वेब बनाए वो भी वैसे ही होंगे। यस, ऑल ऑफ माई एंड माई फ्रेंड स्पाइडर वेब्स आर आइडेंटिकल, दे आर सेम। सो इट मस्ट बी क्लियर टू यू विद विच पिक्चर्स और वर्ड्स यू नीड टू ज्वाइन द हाउस। इन द सेम वे ज्वाइन द अदर थिंग्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैम। वाइल डूइंग सो यू माइट नीड टू राइट द नेम्स ऑफ फ्यू मोर थिंग्स। दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। लेट सी द समरी ऑफ लेसन फर्स्ट। इन नेचर वी सी डिफरेंट नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सन, रेन, विंड, सॉयल एटसेट्रा। दीज आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स दे कैन बी क्लासिफाइड एंड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। जो हमारे नेचर में पाई जाती है ये सारी नेचुरल चीजें हैं। इन नेचुरल चीजों में कुछ लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग चीजें हो गई जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, और नॉन लिविंग चीजें हो गई जैसे सन, वाटर, विंड, सॉयल, ठीक है। अब जितनी भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग थिंग्स है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग चीजों पे, यानी कि सन, वाटर, विंड, सॉयल, इन सब पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जिंदा रहने के लिए। देर इज एन इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट। दिस इंटरडिपेंडेंस मेक्स वेब ऑफ लाइफ, ठीक है। सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और ये जो इंटरडिपेंडेंस है उनकी, इसी से वेब ऑफ लाइफ बनता है, राइट। सो दिस इज द लेसन दैट वी हैव अंडरस्टूड इन दिस लेसन, एंड नाउ देर आर सम एक्सरसाइजेस दैट यू हैव टू सॉल्व। राइट सिक्स नेचुरल थिंग्स यू कैन राइट फ्रॉम देयर, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, सन, रेन, विंड, सॉयल। राइट सिक्स मैन मेड थिंग्स। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर इन योर सराउंडिंग्स दैट मैन हैज मेड, लाइक ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, हाउसेस, मशीन्स। लॉट मोर यू कैन राइट ऑन योर ओन। नेम एनी फोर नेचुरल थिंग्स नीडेड बाय। अब जो बर्ड्स को क्या क्या चीजें चाहिए, लाइन को क्या क्या चीजें चाहिए, ये सब आप लिखिए, आप सोचिए एंड राइट देम डाउन। ऑल दो आई हैव डन इट फॉर यू। लाइक अ बर्ड नीडेड एयर, वॉटर, सन, प्लांट्स। हाँ, कौन कौन सी नेचुरल चीजें उनको चाहिए, और नेचुरल चीजें कौन सी होती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, सन, रेन, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद आपने प्लांट को क्या चाहिए, स्क्विरल को क्या चाहिए, मैन को क्या चाहिए, दिस ऑल यू विल फिल। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर मेकिंग अ हाउस वी नीड, घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नेस्ट, एक बर्ड को नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? और प्लांट्स खाना बनाने के लिए क्या क्या उनको चाहिए? वॉट दे नीड यू हैव टू राइट। ओके, आई हैव डन इट फॉर यू, एंड दीज आर सिंपल थिंग्स दैट यू योर सेल्फ कैन थिंक एंड राइट। सो नाउ दिस इज वन एक्टिविटी दैट यू हैव टू डू, मेक अनदर वेब ऑफ लाइफ लाइक द एग्जाम्पल शोन बिलो। यहाँ पे देखिए एक वेब ऑफ लाइफ बनाया है, जैसे सन, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब नीडेड है प्लांट्स को।
प्लांट्स नीडेड है रैबिट को, रैबिट प्लांट्स खाता है और रैबिट को खाता है स्नेक। इस तरह से ये सब इंटरडिपेंडेंट है। इसी तरह से आप कोई दूसरा वेब ऑफ लाइफ बनाइए, बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्न है, कॉर्न को ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को रैट खाएगा, रैट को पाइथन खाएगा और पाइथन को ईगल खा लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक इंटरडिपेंडेंस, एक वेब ऑफ लाइफ बनाएंगे। दिस वन एग्जाम्पल एंड वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू लाइक दिस। ठीक है, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम इधर से लें तो सीड ईटिंग बर्ड्स खाएंगे, बर्ड्स को फॉक्स भी खा सकता है, बर्ड्स को स्नेक भी खा सकता है। ठीक है, इस तरह से ये सारे अपने अपने फूड के लिए इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। तो आप भी सोचिए और किसी भी कोई भी एक वेब ऑफ लाइफ बनाइए जिसमें इंटरडिपेंडेंट शो करी हो। ओके, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस वॉज सच अ स्मॉल लेसन एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन EVS अबाउट वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, लाइफ। ओके, एंड दिस इज ऑल, दिस वॉज द लेसन एंड आई होप यू लाइक दिस एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय लर्निंग। बाय बाय।